नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया। आज आपके बीच में हम छोटे साइज के दो मकान लेके आए हैं। 504 स्क्वायर फीट के लगभग ये आपको जो मकान है ये आपको बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये जो पूरे घर हैं ये इनके बारे में कुछ डिटेल मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। मेन रोड से मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे मिलेंगे। पूरी तरीके से डेवलप कॉलोनी में ये जो घर हैं वो आपको मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये आप सामने में जो रास्ता है यहाँ पे इस तरफ की ये 20 फीट की है। इस तरफ जो रास्ता जाती है पूरी गली में ये भी पूरी आपकी 20 फीट आपको मिलेगी। इधर दिखा दो, सारे घर आपको बने हुए आपको पूरे नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 504 स्क्वायर फीट के घर हैं, डायरेक्शन की बात करें तो ये पश्चिम फेस के आपको घर मिलेंगे। सामने जो घर के सामने जो आपकी रास्ता है ये लगभग 16 फीट की आपको रास्ता पड़ेगी। तो छोटे साइज के घर हैं। आपकी अगर कोई गाड़ी आप सोचेंगे कहाँ खड़ी करें तो आप गाड़ी आप बाहर आराम से अपनी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आगे का जो वो रास्ता है वो पूरा रास्ता आपको डेड एंड है, बंद रास्ता पूरा मिलेगा। डेवलप कॉलोनी में घर है, बसी बसाई कॉलोनी में घर है, वहाँ का ये पूरा घर हम आपके बीच में लेके आए हैं। आप घर से, आप घर का सामने से आप फ्रंट देखिए किस तरीके से बढ़िया तरीके से खूबसूरत तरीके के ये 500 स्क्वायर फीट बढ़िया मजबूत घर आपको बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और क्वालिटी वाइज ये घर जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको ये घर बने हुए नज़र आ जाएंगे। अंदर से देखते हैं किस तरीके से ये पूरे घर जो हैं 504 स्क्वायर फीट के बने हुए हैं। 16.25 के आसपास इसका लगभग आपको फ्रंट पड़ेगा, तो फ्रंट भी बहुत अच्छा है छोटे साइज के घर के हिसाब से। और इसकी डेप्थ की अगर बात करें तो लगभग 31 के आसपास इसका लगभग आपको डेप्थ पड़ेगा। तो आपको फ्रंट डेप्थ में भी बहुत अच्छी ये घर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप सामने देखेंगे कि लोहे का आपको बढ़िया मजबूत गेट आपको पूरा लगा हुआ नजर आ रहा है। ये सामने में आप देखेंगे सेफ्टी पर्पज से आपका ग्रिल जो है वो आपकी लगी हुई आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप सामने में देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है ये लगभग 6 फीट इसकी चौड़ाई है और लगभग ये 8-9 फीट के आसपास इसका ये लंबा है। तो पार्किंग में यहाँ पे आप केवल बाइक पार्क कर सकते हैं। यहाँ स्टेयर्स के नीचे आपका जो है, स्टेयर्स के नीचे आप इन्वर्टर वगैरह रख सकते हैं। समरसेबल का आपको पूरा कनेक्शन जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ अंदर आके देखते हैं किस तरीके से ये पूरा घर बना हुआ है। ये इसका आप देखेंगे जो ड्राइंग रूम है, काफ़ी खूबसूरत पूरा ड्राइंग रूम आपको पूरा नज़र आ रहा है। ऊपर में पूरा POP का पूरा काम लगा हुआ है, लाइट का सारा काम लगा हुआ है। लास्ट फिनिशिंग का जो बिल्कुल थोड़ा बहुत काम है वो बाकी है, तो वो आपको होके मिलेगा। कमरे के साइज की अगर बात करें तो 9x10 का ये पूरा आपको रूम मिलेगा। नीचे में सारी आपको टाइल्स जो है बढ़िया क्वालिटी की सारी टाइल्स आपको लगी हुई आपको नजर आ जाएंगी। वुडन के बढ़िया तरीके के सारे डोर हैं। बहुत बड़ी सी आपको जो पूरी विंडो है ये पूरी आपको नजर आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम भी यहाँ पे सारा होके आपको मिल रहा है। सारे ग्लास पूरा लगा हुआ है, डोर वगैरह सारे आपको लगे हुए बढ़िया तरीके के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। अंदर से आके देखते हैं किस तरीके से अंदर का जो पूरा पोर्शन बना हुआ है। तो ये आपको लगभग 8 फीट की ये पूरी चौड़ाई है और 16.25 के आसपास मैंने बताया ये पूरा लंबान है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा बढ़िया सा पेंट आपको सारा आपको नज़र आ रहा है। ऊपर में सारा आपको POP का पूरा काम मिल रहा है, लाइट का पूरा काम मिल रहा है। इस तरफ से आप देखेंगे तो ये एरिया आप डाइनिंग के लिए अपना अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे छोटे साइज का घर है तो मॉड्यूलर किचन नहीं है। इसको आप फ्यूचर में मॉड्यूलर किचन बनाना चाहेंगे तो आप बहुत इजीली तरीके से इसको मॉड्यूलर किचन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लैब जो लगी हुई है बढ़िया क्वालिटी की सारा आपको लगी हुई नज़र आ जाएंगी। मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए आपको यहाँ पे अपना उसी हिसाब से बनाया गया है कि आप इसको मॉड्यूलर किचन में कन्वर्ट करा सकें। अगर आप मॉड्यूलर किचन नहीं भी बनवाना चाहते हैं, कुछ सामान रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रैक आपको अलग से दे रखी है। ये सारी आपको 4-4 फिट की लगभग ये टाइल्स का पूरा काम ऊपर लगा हुआ नज़र आ जाएगा। सिंक पूरा लगा हुआ है। यहाँ पे आपको पूरा टाइल्स का जो सारा काम है वो भी सारा लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये बाथरूम है
ये लगभग 4x8 का पूरा बाथरूम जो है इंडियन स्टाइल का बाथरूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइल्स का लगभग 7 फिट की हाइट तक सारा टाइल्स का पूरे बाथरूम में काम हो रखा है। इंडियन स्टाइल की सारी सीट लगी रखी है, एसेसरीज सारी जो है वो लगी हुई आपको नजर आ जाएंगी। अपना बाथरूम से बाहर निकले और उसके बाद हाथ धोने के लिए हैंड वॉश बेसिन यहाँ पे आपको लगा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे OTS का पूरा एरिया है, नेचुरल लाइट में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। ठंड का मौसम है, शुरू हो चुका है, उसके बावजूद आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से नेचुरल लाइट आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे साइज के घर में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये जो बेडरूम है आपका 12x12 साइज का ये आपको बेडरूम जो आपको मिल जाएगा। ऊपर में आपको POP का काम मिलेगा, बढ़िया तरीके का सारा पेंट वगैरह सारा काम, लाइट का सारा काम हो रखा है। नए बने हुए जो घर होते हैं उसमें लाइट वगैरह नहीं लगी होती है, तो लाइट जब आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से ये पूरा आप कमरा देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का सारा घर जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको बड़ी सी आपको विंडो है, तो नेचुरल लाइट में सूट कर रहे हैं, नेचुरल लाइट में किसी तरीके कमी नहीं होगी। इस तरफ आपकी अलमारी बना के दे रखी है, तो आप अलमारी का इस्तेमाल अपना जो बेसिक जो आपका सामान है उसको रखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि किचन में बाहर की तरफ देखने के लिए इस तरफ अगर कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये आप देख सकते हैं, और ये आपको बड़ी सी विंडो जो है ये सारी आपको लगी हुई नज़र आ रही है। ऊपर चल के देखते हैं किस तरीके से ये पूरा ऊपर से घर बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेयर्स पे सारा आपको मार्बल जो है वो पूरा लगा हुआ नज़र आ जा रहा है। स्टील की बढ़िया तरीके की सारी ग्रिल है, POP का सारा काम, लाइट का सारा काम सारी जगह पर आपको होके मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे जैसे आप आएंगे तो सामने में ये ग्लास की पूरी विंडो जो है सारी लगी हुई है, आपको कवर्ड है, ग्रिल भी लगी हुई है, उसके ऊपर ये सारा ग्लास जो है लगा हुआ है। आप स्टेयर्स पे इधर चढ़ते हुए आएंगे तो ये आपको लोहे का मजबूत जो दरवाज़ा है ये पूरा आपको नज़र आ जाएगा। बढ़िया तरीके का ये सारा घर जो है बना हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो पश्चिम दिशा के ये दो घर यहाँ पे 504 स्क्वायर फिट के दो घर बने हुए हैं। सारे जो घर हैं आप देखेंगे कि मजबूत पिलर्स पे आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। ये पिलर हो गया, इस तरफ भी पिलर है, ये भी पिलर है, सारे आपको पिलर, आपको हर एक तरफ आपको पिलर बने हुए नज़र आ जाएंगे। ऊपर में आपको पानी की टंकी रखी है, तो पानी में भी आप पानी वानी अपना आराम से, समरसेबल का कनेक्शन है तो पानी की भी दिक्कत नहीं होगी, अपना खुद का लाइट की भी यहाँ कोई उस तरीके की किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। चारबाग से मात्र 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको घर मिल रहे हैं, उससे कम ही डिस्टेंस पे होंगे। एयरपोर्ट जो है आपको लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आसपास की पूरी कॉलोनी देखिए, पूरी आसपास डेवलप कॉलोनी आपको नज़र आ रही है। आसपास सारे घर जो हैं आपको बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आपके सामने में भी घर बने हुए हैं, आपके बाएँ दाएँ सब तरफ आपको घर बने हुए आपको पूरे नज़र आ रहे हैं। सामने में यहाँ पे ये आप देखेंगे स्टील की ग्रिल है, और यहाँ पे जो टफ एंड ग्लास का काम इसके ऊपर लग के आपको मिल रहा है। आप देखेंगे कि ये जो घर है बहुत अच्छी कॉलोनी, हमने बताया ये पूरी अच्छी कॉलोनी में बना हुआ घर है। बुद्धेश्वर चौराहा से मात्र आपको 600 मीटर की डिस्टेंस पे ये घर आपको मिल रहा है, यानी कि बुद्धेश्वर मंदिर से 600 मीटर की आपको डिस्टेंस पे ये खूबसूरत घर, बढ़िया घर, मजबूत घर आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा। दुबग्गा चौराहे से बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दुबग्गा चौराहा पड़ेगा। अवध चौराहा लगभग यहाँ से आपको 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवध चौराहा आपको पड़ जाएगा। आपको चौक जाना है, आपको सादतगंज की तरफ जाना है, आपको राजाजीपुरम की तरफ जाना है, आपको हजरतगंज की तरफ जाना है, और आपको इधर हरदोई बाईपास रोड जाना है, या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जाना है, या आउटर रिंग रोड जाना है, किसी भी तरफ आपको जाना है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ईजिली सारी सुविधाएं आपको, मेन हाईवे बिल्कुल 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको कन्विंस में भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अपना सड़क से अगर आपको टहल के आने का मन है तो आप टहलते हुए इन घरों पर आ सकते हैं। अगर फाइनेंस की बात करें तो इन घरों पे आप इजीली फाइनेंस करा सकते हैं। घर पे आपको 90% तक फाइनेंस हो जाएगा। जो भी फाइनेंस में किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपका जो सिविल है, आपका जो इनकम है उस तरीके की होनी चाहिए ताकि ये आपको फाइनेंस हो जाए। बढ़िया सी धूप है, ठंड के मौसम में बाहर छत पे आके आराम से आप अपना धूप खाइए आराम से, किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है।
बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, मार्केट सब कुछ आपको नजदीक में मिलेगा। कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो सारे आसपास आपको मिल जाएंगे। जो आपको मार्केट है वो बिल्कुल आपको नजदीक मिल जाएगी। आपको बुद्धेश्वर चौराहा बिल्कुल पास में मिल जाएगा। तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी बेसिक एमिनिटीज के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत, दूर जाने की जरूरत नहीं है। नगर निगम के अंदर घर है, शहर के अंदर घर है, डेवलप कॉलोनी में घर है, बसी बसाई कॉलोनी में घर है, तो ये सारी भी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और इस बजट में सबसे बड़ी बात है, जिस बजट का ये घर है उस बजट में आप घर ढूंढते रहते हैं 500 स्क्वायर फीट के, मैं भी ढूंढता हूँ, मुझको भी नहीं मिलते हैं। ये घर जो है मात्र, अगर इनके प्राइस की बात करें तो 22 लाख रुपए में ये पूरे घर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं प्रॉपर्टी ग्रह के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर किसी की और रिक्वायरमेंट है तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको विजिट करना है तो आप कॉल करके आप विजिट के लिए आ सकते हैं, इन घरों को आके देख सकते हैं। हमारे पास लखनऊ में अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारे घर अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग बजट के। तो अगर उनको भी, उनके बारे में आपको जानकारी लेना है या उनको विजिट करना है तो उनको भी देखने के लिए आ सकते हैं। बुद्धेश्वर और इसके आसपास के एरिया में जितने भी कॉलोनियाँ हैं उन सारी जगहों पे हमारे पास घर अवेलेबल हैं, वहाँ उनको देखना है, उनके लिए भी आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपके बीच में इस तरीके के बेहतरीन, बढ़िया, खूबसूरत घर अलग अलग लोकेशन के हम आपके बीच में लेके आते हैं।